गुड इवनिंग, माय सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन दिनों में यानी कि बारिश के दिनों में कॉमनली पाई जाती है, जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी पेशेंट इसे सफ़र होते हैं। संक्रमित होने वाली ये बीमारी होती है, और हाँ, ये बीमारी फीमेल एनोफिलिस नाम के मच्छर से होने वाली बीमारी है। जो मच्छर बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके जो विषाणु होते हैं ये 5 प्रकार के विषाणु होते हैं, जिनमें आते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, वाइवेक्स एंड नोसेरी। तो इन 5 प्रजाति के विषाणु के वजह से मलेरिया होता है, जो कि एनोफिलिस नाम के मच्छर में हमें मिलती है। इस मच्छर के काटने के वजह से ये बीमारी फैलती है। तो अब जानते हैं इस मच्छर के बारे में कि ये जो मच्छर होते हैं, आमतौर पे ये मच्छर शाम के वक्त या रात के वक्त ज़्यादा काटते हैं, और ऑन कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये साफ पानी पर हमें ज़्यादा मिलते हैं, वही जो मलेरिया के मच्छर होते हैं ये हमें खराब दूषित पानी पर ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे जगह पर जाना टालिएगा जहाँ पे कूड़ा जमा हो या तो खराब पानी जमा हो, ताकि हमें ये बीमारी से कोई नुकसान ना हो। 2016 के WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी के अनुसार 21 करोड़ पेशेंट इस बीमारी से संक्रमित थे, जिनमें कि 42,000 लोगों की मौत हो गई। अभी वो हो सकता है उन्होंने प्रॉपरली इलाज ना लिया हो या तो निग्लेक्ट किया हो। इंडिया में इसमें से 77% ऑफ केसेस मतलब 77% केसेस नज़र आए थे। अब हम जानते हैं इन बीमारियों के लक्षण के बारे में। आमतौर पे मलेरिया में पेशेंट सबसे ज़्यादा कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बचकर आती है और तेज़ बुखार आता है। इसके अलावा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द भी होता है, उल्टी भी हो सकती है या मतली भी हो सकती है, वीकनेस के कारण थकान आना, चक्कर आना, उसके साथ साथ खाना ना जाने की वजह से कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है। इन सब लक्षणों के वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें, जो वो ब्लड टेस्ट कहेंगे उसे कीजिए। आमतौर पे आपके डॉक्टर आपको मलेरिया के टेस्ट के लिए CBC या तो रैपिड मलेरिया टेस्ट दैट इज़ RMT नाम की, या तो PS4MT पेरिफेरल स्मियर फॉर मलेरियल पैरासाइट, ऐसे को जांच करने की सलाह दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि मलेरिया के मच्छर रात के वक्त या शाम के वक्त ज़्यादा होते हैं, तो आमतौर पे ऐसे वक्त जहाँ पे कूड़ा हो, कचरा हो या खराब पानी हो, ऐसे जगह पर जाना टालिए। फुल स्लीव्स के कपड़े या टी शर्ट पहना कीजिए और अपने आसपास साफ सफाई हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखिए। पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर मत करके रखिएगा। अब हम जानते हैं मलेरिया से होने वाले नुकसान यानी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। मलेरिया से रिलेटेड अगर हमें सेरिब्रल मलेरिया होता है तो उससे रिलेटेड सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कुछ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होना, एनीमिया यानी कि ब्लड हीमोग्लोबिन की कमी, उसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल हमारी कम हो सकती है। तो इस वक्त हमारे डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लीजिए। घर पे मेडिसिन लेने से अच्छा अपने डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है उन्हें लीजिए। वो जो एडवाइसेस दे रहे हैं उसे प्रॉपरली फॉलो कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए, और हाँ, पानी ज़्यादा पीजिएगा। मलेरिया एक कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसीज़ है, इसीलिए इसमें कोई घबराने जैसी बात है नहीं। कुछ दिनों तक इसके सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट और सलाह फॉलो करने के बाद में ये कम भी हो जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, मलेरिया से रिलेटेड या और कोई बीमारी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।